बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी रेसिपी जिसको आप ज़रूर ट्राई करेंगे। आज मैं अरवी बना रही हूं और इसको मैं बग़ैर गोश्त के बना रही हूं। आप इस रेसिपी से अरवी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। पहले मैंने अरवियों को छील लिया था और इनको नमक लगा के आधा पौने घंटे के लिए रख दिया था। फिर मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से धोकर खुश कर लिया है। मैंने एक कप ऑयल लिया है, उसमें इन अरबियों को मैं फ्राई करूंगी। आपने इनको इतना फ्राई करना है इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए या फिर हल्का सा गोल्डन कलर आने लग जाए, तब तक हम इस अरबी को फ्राई करेंगे। जब इस अरबी पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का गोल्डन ब्राउन से कलर आएगा तो हम सारी अरबियाँ निकाल लेंगे। बाद मैंने इसमें एक चौथाई चम्मच अजवाइन का डाला है और एक चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। इसको ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा या इसमें हल्का सा कलर आने लग जाएगा तो फिर मैं इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज, मैंने उसको कद्दूकश कर लिया था, कद्दूकश करके आपने इस प्याज इसमें डालना है और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा, तकरीबन गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, तो इसमें एक चम्मच लहसुन पेस्ट और एक चम्मच अदरक पेस्ट ऐड किया है। इसको थोड़ा सा भून लें, इसकी थोड़ी स्मेल ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ढक कर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि टमाटर नरम हो जाए। टमाटर नरम हो जाए तो इनको अच्छी तरह से भून लें ताकि टमाटर का बिल्कुल पेस्ट बन जाए। जब इनका पेस्ट बन जाएगा तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने एक चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। जब ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए और इसमें तेल अलग हो जाए तो फिर हम इसमें एक चम्मच जो सूखी मेथी होती है उसका पाउडर बना के डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें अजवाइन का पाउडर डालेंगे और तीन चम्मच मैंने इसमें दही के ऐड किए हैं। ये ऐड करके हम इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे कि दही भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जब इसका ऑयल अलग होने लग जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें अरवियाँ ऐड करेंगे। पहले अपने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। अब मैं इसमें अरवियाँ ऐड करूँगी। अरवियों को भी आपने अच्छी तरह से इसमें भून लेना है। वैसे तो हमने अरवियाँ फ्राई की हुई हैं, इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह कि इस मसाले में अच्छी तरह से इसको भून लेंगे कि इसका मसाला अरवियों पे अच्छी तरह से लग जाए। जब ये हम कर लेंगे तो हम इसमें आप अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ऐड कर लें, लेकिन इसको तकरीबन अगर आप हल्का हल्का सा मसाला ही रखेंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसको आप ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें, इतनी देर रखेंगे कि इसमें अरवियाँ नरम हो जाएँ। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन अरवियों को रखा था। ये अरवियाँ बिल्कुल नरम हो गई हैं और हमारा सालन बन के तैयार हो गया है। देखिए, इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब इसको लीमू, हरी मिर्चों और धनिया के साथ गार्निश करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।